हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जुलाई और अगस्त के मंथ में आप कौन से खूबसूरत से फ्लावर्स लगा सकते हैं। जिन फ्लावर्स को मैं आपको बताने वाली हूँ ज़रूर आप अपने गार्डन में लगाएं जुलाई अगस्त के मंथ में। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फ्लावर्स आप जुलाई अगस्त के मंथ में लगा सकते हैं और इनके प्राइजेस क्या हैं। जुलाई अगस्त के मंथ में जो सबसे पहला पौधा है जिसको आप लगा सकते हैं वो है रजनीगंधा। रजनीगंधा जो है वो एक सुगंधित फूलों वाला पौधा होता है और रजनीगंधा का जो ये फूल है ये कुप्पी के आकार का और सफ़ेद रंग का होता है, लगभग 25 मिलीमीटर तक के बड़ा हो सकता है। रजनीगंधा को अनजानी या सुगंध राज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो फूल है रजनीगंधा का ये अपनी खुशबू के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आप इसको ज़रूर जुलाई अगस्त में लगाएं। ये ट्यूब से भी लगाया जाता है और आप डायरेक्ट इसका नर्सरी से प्लांट भी खरीद सकते हैं। इसकी जो प्राइस होती है वो कहीं कहीं 60 होती है, 80 होती है, यानी 60 से ले कर 100 तक की इसकी प्राइस हो सकती है। नेक्स्ट प्लांट हम जो जुलाई और अगस्त में लगा सकते हैं वो है फ्रेंड्स ये जेट्रोफा का पौधा। इसका नाम जैसा कि जेट्रोफा है और ये काफ़ी पॉइजनस प्लांट होता है, लेकिन इसकी पत्तियाँ और इसके जो ब्रांचेज हैं वो काफ़ी पॉइजनस होती हैं, लेकिन इसके जो फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बिल्कुल गुच्छे में निकलते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं लगते हैं, और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और एक बार अगर आपने अपने गमले में लगा लिया, अपने गार्डन में लगा लिया, तो साल भर ही ये आपको फूल देगा और हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। तो आप इसको ज़रूर जुलाई अगस्त में लेके आएँ। यहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्लांट है जो जुलाई अगस्त में आप लगा सकते हैं वो है लैटीना का प्लांट। और लैटीना, पता है आप सभी को कि ये एक जंगली फ्लावर हुआ करता था, लेकिन इसको अब जो है काफ़ी स्मॉल वैरायटी में इसको कर दिया गया है, सर वैरायटी में कर दिया गया है, ताकि इसको हम गमले में भी लगा सकें और कलर भी बहुत सुंदर सुंदर आ गए हैं। तो ये ऑफ कोर्स गमले में आप इसको जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं क्योंकि इसके फ्लावर्स जो है बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो है अब ड्वार्फ वैरायटीज़ में भी आने लगे हैं, तो गमले में ये आसानी से बिल्कुल छोटे पे ही ये फूल देने लगते हैं। तो इस जुलाई अगस्त के मंथ में आप लैटीना के प्लांट को भी ज़रूर लगाएं। इसकी प्राइस 60 रुपीज़ से लेके 150 तक हो सकती है, यानी 150 तक हो सकती है। तो आप जहाँ हैं उसके हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो अभी इसकी प्राइस चल रही है वो है 60 रुपीज। अगला जुलाई अगस्त में लगने वाला पौधा है दोस्तों अपराजिता। अपराजिता बहुत ही सुंदर इसके फूल लगते हैं, इसको नीलकंठ भी बोलते हैं और ये नीले और सफ़ेद दो कलर्स में आते हैं। और मुझे तो अमेजोन पे पिंक कलर भी दिखाई दे दिया था, बट ऐसे रियल में तो मुझे कभी नहीं दिखाई दिया पिंक कलर, लेकिन हाँ दो कलर मैंने ज़रूर देखे हैं, सफ़ेद और नीले। तो सफ़ेद और नीले कलर के ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं और सब वैरायटी इसकी आती है और इसकी जो है बेल वाली वैरायटी भी आपको मिल जाती है। तो इसे ज़रूर लगाएं और इसकी प्राइस भी काफ़ी कम रहती है, किफ़ायती रहती है। मैं कहूंगी दोस्तों अगर आपके पास इसके सीड हैं तो आप सीड से ही अपराजिता के प्लांट को लगाएं, बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। मैंने भी इसको सीड के थ्रू ही ग्रो किया है, लेकिन हमारे यहाँ इस नर्सरी में इसकी कीमत जो है वो है 150 रुपीज़, यानी 150 रुपये। लॉकडाउन की वजह से सभी पौधों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
और इस पौधे की एक और खासियत होती है दोस्तों कि इसका हर पार्ट इडेबल होता है, यानी कि आप इसका फूल भी खा सकते हैं, पत्तियां भी खा सकते हैं, हर पार्ट्स को आप खा सकते हैं। तो हेल्थ के बेनिफिट्स के हिसाब से भी ये पौधा बहुत अच्छा होता है। ज़रूर आप इसको अपने गार्डन में लगाएं, सालों साल आपके पास रहेगा। अगला है दोस्तों जो जुलाई अगस्त में आप लगा सकते हैं, वो है सदाबहार वेनिका, कई नामों से इसे हम जानते हैं। तो इसे भी आप लगा सकते हैं और ये बहुत इजी ग्रोइंग होता है, ख़ास करके जो इसकी हमारी लोकल वैरायटीज होती है वो बहुत इजी ग्रोइंग होती है, हार्डी होता है और हमेशा फूल देता ही रहता है। जो इसकी ये आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं और इसकी प्राइस भी कम ही होती है। तो इसे भी आप एक बार लगाएंगे तो ये भी ऑल सीजन चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत रंगों में आते हैं। इसकी यहाँ पे प्राइस है 50 रुपये। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है फ्रेंड्स, वो है ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा गुलाब का। जी हाँ दोस्तों, आप रोज के प्लांट को भी लगा सकते हैं अपने जुलाई अगस्त के मंथ में, और अगर आप एक बार लगाते हैं इस मंथ में तो ये आपके पास सालों साल बना रहेगा, आपकी बगिया को खुशबुओं से भरेगा और बहुत अच्छे कलर भी देगा। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर जुलाई अगस्त में लगाएं। और इसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज होते हैं, 50 रुपये से शुरू होता है, 150-250 तक जाता है। तो आपको जैसा गुलाब पसंद है वैसा गुलाब अपने गार्डन में लगाएं। अगला जो बहुत खूबसूरत सा प्लांट है दोस्तों और जिसका देख रहे हैं गुच्छे में फूल आता है, इसका नाम है एक्जोरा, चाइनीज़ एक्जोरा के नाम से इसे जाना जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत होता है, देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें फूल दिखाई देते हैं। ड्वार्फ वैरायटी होती है, बहुत बड़े नहीं होते हैं लेकिन इनकी वैरायटीज़ काफ़ी छोटी होती है, और छोटे में ही देखिए कितने सारे ये फूल देते हैं, पूरा फूलों से लदे होते हैं, पूरे गुच्छे में फूल ये देते हैं। और इसमें कई सारे कलर्स होते हैं, इसमें देख रहे हैं आप वाइट है, ऑरेंज है, रेड है, पिंक है, बहुत सारे इसमें कलर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये ज़रूर लगाएं जुलाई अगस्त में। और इसकी प्राइस है 150 रुपीज हमारी नर्सरी में, और कहीं कहीं ये 250 रुपीज़ भी है। तो आपकी नर्सरी में कितनी है मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए कितने खूबसूरत कलर्स हैं इसके, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और अगर आप एक बार लगाएंगे तो हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। तो अगला जो हमारा फ्लावर है दोस्तों, वो है ये टिकोमा का, और इसे हम कैसे भूल सकते हैं। टिकोमा बहुत ही सुंदर लगता है और ये भी देखिए इस तरह से गुच्छों में ही आता है, और ये इसके भी कलर्स आते हैं, दो तीन कलर्स तो मैंने देखे हैं, जैसे कि ऑरेंज कलर और रेड कलर्स इसके देखे हैं, पर्पल कलर हमने देखे हैं, तो दो तीन कलर तो मैंने ही इसके देखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, गर्मियों में बहुत अच्छा चलता है। अगर इस टाइम बरसात में इसकी आप कटिंग लगाते हैं तो ये लग जाएंगे बहुत ईजिली और सालों साल आपके पास रहेंगे, और नर्सरी में भी अवेलेबल्स है, आप चाहें तो नर्सरी से भी ले सकते हैं। इसकी प्राइस 60 रुपीज़ से ले करके 150 रुपीज़ तक होती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस खूबसूरत से बहुत ही कलरफुल प्लांट्स की, जिसको हम कॉस्मोस के नाम से जानते हैं, और इसे आप जुलाई अगस्त के मंथ में इसको सीड से भी उगा सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं। इस वक्त नर्सरी में अभी अवेलेबल्स नहीं है, लेकिन एक हफ्ते बाद ये नर्सरी में अवेलेबल्स हो जाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं और आपके घर में ये बहुत अच्छा लुक देने वाले हैं। तो ज़रूर ज़रूर आप जुलाई अगस्त में इसे लगाएं। अगला पौधा जो हमारा है फ्रेंड्स, जो आप सीड से लगा सकते हैं, और इसका नाम है बालसम। आप इसका सीड रखिए और आप इसको हर साल ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही इजी ढंग से ग्रो हो सकता है सीड से। अगर आपके पास सीड्स नहीं हैं तो नर्सरी जाएं और नर्सरी से इस सुंदर से फ्लावर्स प्लांट्स को ले करके आएँ। ये सिंगल पेटर और डबल पेटर दोनों पेटर्स में मिलते हैं, इसकी प्राइस भी काफ़ी कम होती है। अगर आप सीड लेंगे तो 30 रुपीज़ के इसके सीड के पैकेट मिल जाते हैं, वहीं फ्लावर लेते हैं तो 50 या 60 के मिल जाते हैं। ये दो प्लांट्स जो दोस्तों मैंने सीड से बताए, ये सीजनल प्लांट्स हैं, तो इन्हें आप जुलाई अगस्त में ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।